हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो दैट इज सिविक सेक्शन ऑफ योर SST लेसन 1 पावर शेयरिंग। सभी क्लास 10 के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आपका ये पार्ट 2 का वीडियो है जो कि क्या कहते हैं लेसन 1 पावर शेयरिंग, जो कि आपका सिविक सेक्शन यानी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का है। ठीक है स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने जाना था कि एक पावर शेयरिंग का यूज़ अगर सही तरीके से किया जाए तो उससे फ़ायदा भी है। हमारी गवर्नमेंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट है, उस पावर शेयरिंग के बेस का सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपको हमने बताया था कि बेल्जियम में फ्रांसीसी और डच यानी फ्रेंच स्पीकिंग और डच की मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कैसे कैपिटल और पूरे स्टेट्स में मौजूद है 60-40%। वहीं पर उल्टा श्रीलंका का हमने एग्जांपल लिया था जहाँ पे सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल्स के माइनॉरिटी मेजॉरिटी लोग रहते हैं। फिर हमने आपको बताया था कि इसका फर्क क्या होता है, जब दो तरह के वर्ग माइनॉरिटी मेजॉरिटी में रहते हैं तो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। अब जहाँ पे अब हम एग्जांपल अभी ले रहे हैं बेल्जियम का, बेल्जियम में ब्रसेल जो उसकी कैपिटल है, राजधानी, वहाँ पे फ्रांसीसी लोग जिस तरह से रहते थे यानी फ्रेंच स्पीकिंग के लोग, वहाँ पे उनकी कैपिटल में उनकी संख्या 80% थी और डच के लोगों की जो संख्या थी वो नियर अबाउट 20%, ये कैपिटल कहा था। जबकि पूरे ओवरऑल कंट्री यानी स्टेट की बात करें, बाकी स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंट्स में वहाँ पे क्या था, फ्रांसीसी लोगों की संख्या से 40% थी और जबकि डच की 60% थी। और यही फ्रांसीसी लोग जो हैं आपके वेलोनिया वाले हिस्से में ज़्यादातर थे। अब समस्या ये होती थी कि इनके आपस की माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी माइनॉरिटी गवर्नमेंट माइनॉरिटी के लोग जो कि कैपिटल में संख्या में ज़्यादा थे, हायर एजुकेशन पे थे, हायर पोस्ट पे थे, रिचर क्लास के थे, तो उन्होंने सरकार पे दबाव बनाते थे, अपने फेवर में ज़्यादा डिसीजंस लेते थे और सरकार पे दबाव बना के वो डिसीजन अपने फेवर लेते थे। तो डच के लोगों को ये पसंद नहीं आता था कि सारे डिसीजन उनके जाए। तो फिर इनका कॉन्स्टिट्यूशन कई बार 1970 से 1993 इस कॉन्फ्लिक्ट को जब देखा गया तो कई बार बदला गया, 4 बार जो अकोमोडेशन पॉलिसी आई जिसके तहत इनके 50-50% मेंबर्स जो हैं मिनिस्टर्स के दोनों कम्युनिटी के सेंट्रल में बैठेंगे और स्टेट्स में बैठेंगे। कि तीसरी तरह की इन्होंने गवर्नमेंट को भी परमिट किया कि जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनेगी जो उनके एजुकेशनल कल्चरल एजुकेशनल और लैंग्वेज जैसे इश्यूज को देखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे ज़्यादा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया था कि जिससे कि वो अपने निर्णय लेने के लिए फ्री हैं और कहीं अगर उनको कोई इश्यूज आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में वो मुद्दे वो उठा सकती है या हेल्प दे सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट को संभाले और उसके मुद्दों को खुद सॉल्व कर दें। स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट्स नहीं रह गई थी। तो इस तरह से एक अच्छा निर्णय लिया गया। तो ये सारी जब पॉलिसीज बनी तो डच के लोगों ने ये देखा कि जो फ्रांसीसी केंद्र में रह करके सत्तारूढ़ पर रह करके उन्होंने इस पॉलिसी को अपना लिया है तो 50% मिनिस्ट्रीज वाली, तो हम क्यों ना अपनाएं, हम मेजॉरिटी में हैं तो क्या हुआ, हम भी अगर अपना ले तो हम दोनों कम्युनिटी मिल करके इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर यहीं पर मतभेद करने लगेंगे तो देश और पीछे जाता। तो उन्होंने भी ये चीज़ को स्वागत किया, सम्मान दिया और इस पॉलिसी को अपनाया। अब देखिए उनकी इस पॉलिसी का क्या प्रभाव पड़ा, ये जो इफेक्ट्स ऑफ अकोमोडेशन पॉलिसी, इफेक्ट ऑफ अकोमोडेशन टेशन पॉलिसी, इसका क्या प्रभाव पड़ा, अ कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट, ए कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन
was formed. हाँ, एक कॉम्प्लिकेटेड, एक बहुत ही जटिल राष्ट्र के अंदर जहाँ पे दो तरह की कम्युनिटी हो और जहाँ पे मेजॉरिटी में डच हो, केंद्र में मेजॉरिटी में फ्रांसीसी हो और पूरे राष्ट्र में फ्रांसीसी कम थे, माइनॉरिटी में थे, और डच जो है केंद्र में माइनॉरिटी में थे, तो जहाँ पे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस वाले राष्ट्र हो वहाँ पे कई बार कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया जिससे कि लोग शांतिपूर्वक रह सके, लेकिन आखिर में एक संविधान बनाया गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन हुआ बनाते समय, लेकिन वो फ्रेम्ड हो गया। पहला इफेक्ट अकोमोडेशन पॉलिसी का ये हुआ। दूसरा, पीस वॉज एस्टैब्लिश्ड, peace was established between all linguistic group group of Belgium. Leading stability, a peace was established between all linguistic group of Belgium, leading stability and path open for development of country. Yes, a peace was established. एक शांति जो थी वो established हुई किसके बीच में? डच और फ्रांसीसियों के बीच में जो शांति था वो एस्टैब्लिश हुआ बिटवीन ऑल लिंग्विस्टिक ग्रुप, जितने भी तरह के लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, यानी कि जितने भी भाषा में यानी बोलने वाले लोग थे उनके बीच में, जितने विभिन्न प्रकार के ग्रुप थे उनके बीच में एक शांति स्थापित हुई ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की लीडिंग स्टेबिलिटी और साथ ही साथ एक स्थिरता आई। किसमें? एक सरकार में भी स्थिरता आई। शांति बहाल जब हुआ तो शांति बहाल होने के बाद शांति लंबे समय तक स्थिर हो रही, स्टेबिलिटी एंड पाथ ओपन, और एक मार्ग खुल गया था किसका? राष्ट्र के विकास का। मतलब कि इस तरह की पॉलिसी जब आई तो यहाँ के लोगों के अंदर जो मतभेद था, जो कॉन्फ्लिक्ट कई सालों से चला आ रहा था, वो कॉन्फ्लिक्ट पहली चीज खत्म हो गई। दोनों वर्ग के लोग आपस में मिल करके खुशी खुशी इस चीज़ को अपना लिया। उसके बाद एक शांति स्थापित हुई जिससे कि लंबे समय तक उस राष्ट्र का विकास होना तय हुआ और वो स्थिरता पे कायम होने लगा और आगे बढ़ने लगा। देन ए पोटेंशियल डिवीजन ऑफ कंट्री बेल्जियम वॉज अवॉइडेड। एक पोटेंशियल डिवीजन,
मतलब कि जब इतना कॉन्फ्लिक्ट होने लगा तो ये माना जाने लगा कि इस तरह से मतभेद अगर होता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि इस राष्ट्र को दो हिस्सों में बांटना पड़ जाए। क्यों? क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में जहाँ फ्रांसीसी ज़्यादा रहते थे वहीं साउदर्न पार्ट में वो कम रहते थे, जिससे कि मतभेद ये होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह से इनको इस राष्ट्र को दो हिस्सों में बांटना पड़ जाए। तो वो बांटने का जो इनको डर था वो खत्म, ए पोटेंशियल डिवीजन ऑफ कंट्री बेल्जियम वॉज अवॉइडेड। क्योंकि स्टूडेंट अगर कोई एक राष्ट्र को ऐसी स्थिति में अगर दो हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसका डेवलपमेंट 5-6 साल या 10 साल पीछे चला जाता है। क्योंकि उसकी रिसोर्सेज बढ़ती है, उसकी चीज़ें बढ़ती है, उसकी मिनिस्ट्री, उसकी गवर्नमेंट सब बढ़ जाती है, यहाँ तक कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर जो बजट बना वो सब बढ़ जाता है। तो यहाँ से वो कंट्री 10 साल पहले पीछे चली जाती है जिस स्टेटस में होती है, 10-15 साल पीछे चली जाती है, फिर उसको वो स्थिरता लाने में टाइम लगता। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंट्री का जो पार्टीशन होना था वो अवॉइड हो गया। और सबसे बड़ा इफेक्ट जो अब आया वो देखिए, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप, यानी यूरोप की जब कई कंट्रीज एक साथ आई, व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप कम्स टुगेदर टू फॉर्म यूरोपियन यूनियन, दे हैड मेड इट हेडक्वार्टर एज ब्रसेल। यस, सबसे बड़ा अचीवमेंट इस राष्ट्र का ये क्या था, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था। एक जब इस कंट्री ने अकोमोडेशन पॉलिसी अपना की, यानी पावर शेयरिंग की पॉलिसी को अपनाया, अकोमोडेशन पॉलिसी को जब अपनाया, तो इस ये देख करके, इनके मॉडल को देख करके विश्व के कंट्रीज अचंभित हो गए कि एक ऐसा राज जहाँ पे दो कम्युनिटी के लोगों का आपस में मतभेद था, लेकिन किस तरह से उन लोगों ने एक ऐसा न्याय किया आपस में कि वो शांतिपूर्वक जी सके और आगे बढ़ सके। इस चीज़ को देखते हुए जब यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जब आपस में एकजुट होने लगी तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया था। शायद आपको याद हो, यूरोपियन यूनियन, यस, उसका निर्माण किया था जिसमें कई कंट्रीज शामिल हुई थी यूरोप की। उन्होंने यूरोपियन यूनियन का निर्माण किया था, वो इसके इस मॉडल से इतने ज़्यादा आकर्षित और अचंभित हुए कि उन्होंने ब्रसेल को अपना हेडक्वार्टर नियुक्त कर दिया। यानी कि यूरोपियन यूनियन का जो मेन हेडक्वार्टर था वो ब्रसेल में बनाया गया और वहीं पे उसका ऑफिस हेडक्वार्टर का बनाया गया। ये सबसे बड़ा इफेक्ट आया। इससे क्या हुआ, ये जो कंट्री थी बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर वहाँ होने से यहाँ पे इसकी ट्रेडिंग, इसके डेवलपमेंट और तेज़ी से होने लगे, जिसकी वजह से इसको इसका प्रभाव मिलने लगा उसी समय से। तो ये था इनका सबसे अच्छा प्रभाव अकोमोडेशन पॉलिसी का, जो इन्होंने कॉम्प्लिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करके आखिर बना लिया था। अब हम आपको अब बताते चलें, ऐसी जगह जहाँ पे पावर शेयरिंग तो नहीं हो पाई ढंग से, लेकिन वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस पैदा होने लगे। जहाँ पे पावर शेयरिंग ढंग से लिया गया तो उसका पॉजिटिव अप्रोच आपने देखा बेल्जियम जैसे कंट्री में, लेकिन पावर शेयरिंग जहाँ पे नहीं लिया गया, जहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट बनाई गई, वहाँ पे इसका सबसे बुरा असर क्या पड़ा। आइए चलते हैं, देखते हैं। यस स्टूडेंट, नाउ अभी हम आपको बता रहे थे कि जो इफेक्ट था अकोमोडेशन पॉलिसी का वो बेल्जियम में उसका असर कितना अच्छा रहा।
अब हम वापस आते हैं श्रीलंका में। हमने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, श्रीलंका में जो कम्युनिटी है, दो तरह की कम्युनिटीज थी। एक सिन्हाला जिस जो संख्या में 74% है, और तमिल जो कि संख्या में 18% है। इन तमिल्स में कुछ करीब 13% तमिल्स थे जो कि आपके किस मेजॉरिटी के थे, श्रीलंकन थे, और 5% तमिल वो थे जो इंडियन तमिल्स में आते थे, यानी कि जिनके फोर फादर्स प्लांटेशन वर्कर थे जो कि इंडिया से आए थे किस समय, ब्रिटिश कॉलोनियल के समय। इन्हीं इंडियन तमिल्स में हिंदू और मुस्लिम आते थे, इसके अलावा क्रिश्चियन कम्युनिटी अलग थी जो कि 17% थी, सॉरी 7% थी, जिसमें सिन्हाला और तमिल दोनों आते थे। अब हम इनको लेके चलते हैं मेन। सिन्हाला जो कि 74% थी, यहाँ की जो गवर्नमेंट थी उस पर दबाव सबसे ज़्यादा सिन्हाला का था, सिन्हाला का ही वर्चस्व रहा, जिसकी वजह से यहाँ की गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी पे काम नहीं किया। यहाँ पे जो पॉलिसी आई वो किस तरह की आई, मेजोरिटेरियनिज्म। यहाँ पे मेजॉरिटी में जो ज़्यादा थे सिन्हाला, वो अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चलाने लगे। अब देखिए इसका क्या रहा, 1948 में करीबन 1948, हमें भारत को आज़ादी मिले तब 1947, और हम बात कर रहे हैं 1948 यानी कि हमारे भारत से एक साल बाद 1948 श्रीलंका अडॉप्टेड adopted a series of majoritarianism measures to establish श्रीलंका अडॉप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म टू एस्टैब्लिश सिन्हालेस सुप्रीमेसी ओवर तमिल ओवर तमिलियन। 1948 में श्रीलंका ने लगातार एक ऐसा मेजर अपनाया, एक मतलब कि मेजोरिटेरियनिज्म का एक ऐसा मेजर अपनाया जिसमें इसने सिन्हाला कम्युनिटी के जो लोग थे उन उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उनके वर्चस्व को तमिल से ऊपर रखा। ठीक है, मतलब कि सिन्हाला को सबसे ज़्यादा सुप्रीमेसी दिया गया तमिलियन से कंपैरिजन में। फिर एंड एक्ट वॉज पास्ड टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द
सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज, सिटी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड डिस्करेजिंग तमिल। फिर गवर्नमेंट ने, वहाँ की सरकार ने एक ऐसा अधिनियम पास किया जिसमें उसने कहा सिन्हाला जो है पूरे राष्ट्र की ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाए, सिन्हाला को पूरे राष्ट्र की भाषा कर दी गई, यानी कि वहाँ के हर नागरिक हर वर्ग को सिन्हाला भाषा सीखना जरूरी हो गया। एक ऐसा उसने अधिनियम किया जिससे कि पहचान बन सके, यानी कि रिकॉग्नाइज की जाए सिन्हाला को शहर शहर गांव गांव पूरे राष्ट्र की भाषा के तौर पर। इसीलिए कहा गया पे सिटी ऑफिशियल है, यानी हर शहर की भाषा के तौर पर। और उसने तमिल जो लैंग्वेज थी, तमिलियंस की जो खुद की भाषा थी, उसको डिस्करेज करना शुरू कर दिया। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, हिंदुस्तान में हिंदी तो है लेकिन बाकी सभी भाषाओं को प्रायोरिटी दी गई है, कोई अपनी जिस भाषा में बात करना है बात कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक्ट ऐसा पास किया कि जिससे कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। फिर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट टेल दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड पोस्टर बुद्धिज्म एक नया संविधान बनाया गया, उसमें कुछ बदलाव किया गया जिसमें ये रहा कि राज्य जो है वो सुरक्षा प्रदान कर सके बुद्धिज्म धर्म को, जो अब तक जिस धर्म को ज़्यादा वो वहाँ पे नहीं वो कर रहे थे। एक नया कानून बनाया गया जिसमें बदलाव किया गया कि जो राज्य की है, राज्य की सरकारें हैं, पूरा राष्ट्र जो है सुरक्षा दे सके सिन्हाला कम्युनिटी को और उनके धर्म को, क्योंकि ज़्यादातर सिन्हालाओं के जो धर्म थे वो पूरी बुद्धिज्म ये बुद्धिस्ट कल्चर्स को मानते थे, तो इनको ये कहा गया कि इनकी बुद्धिज्म यानी सिन्हाला को सुरक्षा दी जानी चाहिए। सिन्हाला स्पीकर्स, सिन्हाला स्पीकर आर प्रिफर्ड फॉर बोथ यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब्स। सिन्हाला के भाषा बोलने वाले लोगों को प्रेफरेंस दिया जाने लगा, यानी कि जो लोग सिन्हाला भाषा सीखे हों या सिन्हाला कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनको प्रेफरेंसेस ज़्यादा मिलने लगा। किस चीज़ में, गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटीज़ में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स में या हाई पोस्ट जॉब जितने भी सरकारी कार्यालयों में जितने भी थे वहाँ पर पहले सिन्हाला के लोगों की प्रायोरिटी होती थी, ठीक है, उसके बाद उनको भाषा बोलने आती थी तो उनको नियुक्त किया जाता था। तो इस तरह से गवर्नमेंट जो थी एक वर्ग को पूरी तरह से प्रमोट कर रही थी। यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म की जो गवर्नमेंट फॉलो हुई थी उसकी पॉलिसी के हिसाब से ये कर रहे थे। अब जाहिर सी बात है जब आप एक वर्ग को पूरी की पूरी
छूट देंगे और उसको प्रमोट करेंगे चाहे जैसे भी, तो दूसरा वर्ग यानी कि जो तमिल्स है वो डिस्करेज होंगे, उसका भी नेगेटिव असर होगा, उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो आइए देखते हैं उस समय फिर क्या हुआ। नाउ स्टूडेंट्स, जब गवर्नमेंट वहाँ की जो है फोर्सफुली मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी बनाई और वहाँ के सिन्हालास को जब उन्होंने प्रायोरिटी देना शुरू किया तो वहाँ के तमिल्स भड़क गए, तमिलियंस उसका विरोध करने लगे। उन्होंने क्या किया, तमिल्स फेल्ट, तमिल्स फेल्ट डिसकरेजिंग तमिल फेल्ट डिस्करेजिंग एंड डिस्क्रिमिनेटिंग एंड अपोज्ड द मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी। जो तमिल थे स्टूडेंट वो बहुत ही डिसरिस्पेक्ट डिस्करेज महसूस करने लगे, उनके अंदर क्या कहते हैं ये फील होने लगा कि उनको कुछ समझा नहीं जाने लगा, गवर्नमेंट उनको अवॉइड कर रही है पूरी तरह से, जिसकी वजह से उन्होंने इस पॉलिसी का अपोज यानी कि विरोध करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट अरोज बिटवीन बोथ तमिल एंड सिन्हाला कम्युनिटी अब हुआ क्या, एक मतभेद शुरू हो गया किसके, सिन्हाला और तमिल कम्युनिटी के बीच में एक तरह का मतभेद। जाहिर सी बात है जब आप एक वर्ग को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, उसकी भाषा उसके क्षेत्र को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे तो दूसरा वर्ग को हीन भावना महसूस होगा और कभी कभी लोग सिन्हाला के लोग भी वहाँ पे तमिल लोगों को उस भावना से देखना शुरू कर दिए थे और इस कारण से उनको प्रायोरिटी देना कम कर दिए थे, जिसके से उनकी क्या हुई आपस में मतभेद शुरू हो गए। तमिल रेज वॉइसेस अपोज एंड डिमांड फॉर न्यू इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट तमिल एलम। जब यह मतभेद शुरू हुआ तो तमिल लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई, सभी तमिल लोग मिल करके एकजुट होकर के अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने पहले इस पॉलिसी का विरोध किया, जब उनकी बात को दबाया गया वहाँ की गवर्नमेंट ने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया, उनके विरोध प्रदर्शन का कुछ महत्व नहीं हुआ, तब उन्होंने डिमांड किया एक नए राज्य का। उन्होंने कहा कि श्रीलंका जो है दो हिस्सों में बटे, यानी कि जो अकोमोडेशन पॉलिसी को ये नहीं अपनाना चाहते थे, जो पावर शेयरिंग ये नहीं अपना सके,
अब मेजॉरिटी पॉलिसी को उन्होंने लिया तो देखिए उसका क्या असर हुआ, एक डिमांड शुरू हो गया इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट का, यानी तमिल एलम का। जब इनकी आवाज को दबाया जाने लगा वहाँ के लोगों को, लोगों की इस चीज़ को उन लोगों ने नज़रअंदाज किया और तमिल स्टेट को नहीं मानना चाहते थे वहाँ की गवर्नमेंट, तब तमिल मिलिटेंट फॉर्म व फॉर्म एंड फोर्स्ड द गवर्नमेंट दैट इज एल टी टी ई। जब तमिलों की बातों को नज़रअंदाज करके गवर्नमेंट की बातों को दबाने लगे और जब उनकी डिमांड इंडिपेंडेंट स्टेट को नहीं माना उसको दबाने लगे, तब वहाँ के लोग विरोधी हो गए और उन्होंने एक अलग मिलिटेंट, एक नक्सलवादी सेना तैयार की, जो कि तमिल मिलिटेंट थे, उन्होंने एक नक्सलवादी सेना तैयार की जिस और उन्होंने गवर्नमेंट पर दबाव बनाने जाने लगे या उनके विरोध में कार्रवाई करने लगे। आपने सुना होगा कुछ साल पहले और अभी भी कुछ मतभेद चल रहा है, जैसे कि लिबरेशन ऑफ टाइगर तमिल एलम LTTE, जिन्हें शॉर्ट मिलिट्री भी कहा जाता है, LTTE एक ऐसा ही तमिल मिलिटेंट आर्मी है जो श्रीलंकन गवर्नमेंट के विरोध में है। इस मेजॉरिटी गवर्नमेंट की पॉलिसी अपनाने से सोचिए क्या क्या इफेक्ट आने लगा। पहला, यही डिस्करेज होने लगे यहाँ से तमिल, इनके बीच में तमिल और सिन्हालों में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, तमिल ने अपनी आवाज़ उठाई, विरोध किया तो उनकी विरोध को दबाया गया, तो उन्होंने उग्र तौर पे गवर्नमेंट पे फोर्स करना शुरू किया। इसका नतीजा क्या हुआ, दिस कॉन्फ्लिक्ट कॉज a loss of life and property, forcing many to leave the country। ये मतभेद इतना ज़्यादा हो गया तमिल और वहाँ की गवर्नमेंट के बीच में कि जब तमिल मिलिटेंट बन गए और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट का, तो इससे उनके यहाँ के डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा क्षति हुई और उनको जीवन का और उनके संपत्ति संपदा का नुकसान बहुत होने लगा। हर जगह वो लोग विरोध में आकर के नक्सलवादी हमले करते थे जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट की व्यवस्था चरमराने लगती थी और इस डर से आए दिन जब हमले होने लगे तो वहाँ के कुछ सिन्हाला भी, कुछ तमिलियंस भी उस राष्ट्र को छोड़ के जाने लगे और लोगों ने वहाँ से पलायन करना ही समझे जाने लगा और वो क्योंकि उन पर दबाव होने लगा एक तरह से कि एक राष्ट्र जो यहाँ पे कोई चीज़ सुरक्षित नहीं थी, जहाँ पे इस तरह से फोर्स किया जा रहा था और भारी संख्या में वहाँ पे तमिल मिलिटेंट बन रहे थे, तो वो ऐसे राष्ट्र में लोग वहाँ पे क्या कहते हैं छोड़कर जाने लगे। नाउ अब हम कंपेयर करते हैं दोनों केसेस में, यानी कि एक जगह जब अकोमोडेशन पॉलिसीज बनी तो वहाँ पे बेल्जियम पे डेवलपमेंट आया, वहीं पे श्रीलंका में वेजिटेरियन पॉलिसी ने क्या किया, मेजोरिटेरियन पॉलिसी इन श्रीलंका
led to conflict. Conflict while accommodation policy led to peace and development in Belgium. यहाँ पे एक पॉलिसी जो कि नेगेटिव असर था जिसका वेजिटेरियन पॉलिसी ने श्रीलंका को मतभेद में ला के खड़ा कर दिया था. दो कम्युनिटी आपस में मतभेद करने लगी, वहाँ पे मिलिटेंट तैयार हो गए तो गवर्नमेंट के विरोध में. वहीं पे अकोमोडेशन पॉलिसी अपनाने से पॉजिटिव अप्रोच आया, क्या पीस और डेवलपमेंट बेल्जियम में हो गया. मेजोरिटेरियन, अच्छा सेकेंड इफेक्ट क्या है, मेजोरिटेरियन पॉलिसी इन श्रीलंका led to demand of separate state for a particular linguistic community that is Tamil Elam, while accommodation policy save the division of Belgium and made all linguistic community to unite and work with development for Belgium. यहाँ पे मेजोरिटेरियन पॉलिसी ने श्रीलंका को डिमांड बढ़ा दी, वहाँ के हमें लोगों ने मांग कर दी एक अलग राज्य, यानी कि श्रीलंका से एक हिस्सा अलग करके उनको दे दिया जाए, जिससे कि उनकी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी यानी उनकी भाषी जो समुदाय है उनका एक क्षेत्र उनको दे दिया जाए सेपरेट स्टेट, जिस किस नाम से जो कि तमिल इलम करके वो अपना बनाना चाहते थे. एक सेपरेट स्टेट को चाहते थे तमिल इलम की, मतलब तमिलियों का एक अलग राज्य बने, एक अलग स्टेट, अपना इंडिपेंडेंट स्टेट चाहते स्वतंत्रता पूर्व जहाँ पे वो राज कर सके. वहीं पे अकोमोडेशन पॉलिसी अपनाने से क्या हुआ, बेल्जियम भी इसी स्थिति से गुजर रहा था पावर शेयरिंग में, लेकिन यह पॉलिसी अपनाने से क्या हुआ, बेल्जियम का जो डिवीज़न था वो रुक गया. तो उसने अपने यहाँ डिवीज़न यानी कि जो उसके राष्ट्र को दो हिस्सों में बंटना था, डच और फ्रांसीसी लोग चाहते तो बांट सकते थे, लेकिन
वो बटने से बच गया, वहाँ के जो लिंग्विस्टिक यानी भाषी समुदाय थे वो सब मिलकर एक हो गए और मिल करके उन्होंने क्या किया, विकास यानी कि अपने राष्ट्र के विकास के लिए काम करना शुरू कर दिया, यानी बेल्जियम के लिए। तो ये चीज़ बहुत बड़ा प्रभाव था स्टूडेंट्स, जहाँ पे एक ने इस पॉलिसी को नहीं अपनाया तो वहाँ पे देखिए इसका कितना बुरा असर पड़ा, वहीं पे दूसरी ने बहुत ही समझ बूझ करके सोच करके इस पॉलिसी को अपनाया तो उनके राष्ट्र का विकास हुआ। और हमने आपको बताया था भी कि उनके विकास का पहला पड़ाव पड़ गया था जब यूरोपियन यूनियन फॉर्म हुई थी, तो ब्रसेल को उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया। अब जब जाहिर सी बात है जब वो हेडक्वार्टर बनाएंगे तो उस राष्ट्र के उस शहर का विकास भी शुरू हो जाएगा, उस राष्ट्र को देखते हुए तेज़ी से विकास करेगा, ट्रेडिंग्स वगैरह सब कुछ ज़्यादा होंगे, वहाँ पे कम्युनिटीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से ये दो एग्जाम्पल आपको दिए गए हमने जिसमें पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किस तरह से किया गया। अभी आपका तीसरा वीडियो भी आएगा जिसमें इस चैप्टर का एंडिंग पॉइंट्स हम बताएंगे कि इसका क्या क्या प्रभाव होगा। इसलिए आज के लिए इतना ही है स्टूडेंट, ओके, टिल देन हैव अ गुड डे।